प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अब 24 जून से विद्यालय खुलेंगे, वहीं 1 जुलाई से बच्चे स्कूलों में नियमित कक्षा लेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में केवल पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ और बदलाव का ही काम किया है। पूर्व में भी 24 जून से ही विद्यालय खुलते थे, लेकिन बीजेपी की ओर से शैक्षणिक कैलेंडर से छेड़छाड़ की गई, जिसका शिक्षक संगठनों ने भी जमकर विरोध किया। नए शैक्षणिक कैलेंडर में अभिभावक, शिक्षक संगठन और बच्चे भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बच्चों के ड्रेस कोड और स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली साइकिलों का रंग में बदलाव किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने 21 जून को योग दिवस को लेकर कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन एक दिन के कार्यक्रम के लिए कैलेंडर को 15 दिन आगे पीछे करना गलत है। इससे शिक्षक और अभिभावक भी नाखुश थे। ये पहले भी इसी तरीके से चलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, ये सरकार ने, पिछली ने एक कैलेंडर के साथ में छेड़छाड़ की थी। उनकी पुरानी आदत है हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना। तो ये अभिभावकों की मांग थी, बच्चों की मांग थी, शिक्षक संगठनों की मांग थी और आम लोग ये कह रहे थे। उससे पहले उन्होंने समय चेंज किया था 9:30 बजे से 2:30 बजे, न तो जाने वाला सही समय था न आने वाला सही समय था, तो उसको भी 10 से 4 करने का काम किया था। तो जो विद्यालयों में जाने और आने का समय है उसके साथ भी उन्होंने छेड़खानी की थी, जो कैलेंडर है उसके साथ भी छेड़खानी